हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत वैसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल ABS Tech अनंत वैसोनी में। तो जैसा कि आपने मेरे YouTube चैनल पे देखा होगा कि मैं आपके लिए ऑलवेज मनी मेकिंग टिप्स बताता हूँ ब्लॉगिंग को ग्रो करने के लिए, YouTube को ग्रो करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए और पैसे कमाने के नए से नए तरीके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पैसे कमाने के लिए आप ब्लॉगिंग यूज कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग यूज कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप की चीज आपको यहाँ पे हुई है। तो ऐसे ही मैंने एक ब्लॉग आपको बताया हुआ था, लिस्ट ऑफ कमेंट लव ब्लॉग्स, यहाँ पे आपको डू फॉलो बैक लिंक्स यहाँ पे मिल सकती हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि 1800 प्लस हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स आपको यहाँ पे मिल सकती है और ये चीज अच्छी चली। यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी दिखा दिया करता हूँ, यहाँ पे ज्यादातर 82 कमेंट्स है इस ब्लॉग पे और सभी का कहना यह है कि यहाँ से अच्छी खासी डू फॉलो लिंक्स मिल रही है। और लोगों ने ये भी बोला है, जैसे इस वीडियो के भी मैंने कमेंट पढ़े और यहाँ पे भी मैंने कमेंट पढ़े, दोनों जगह मुझे लोगों ने ये बोला है कि सर और कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं क्या जहां से ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें। तो ऐसे ही आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही रिसोर्स बताने आया हूँ जहां से आप अच्छी खासी डू फॉलो लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में जो एक और नई चीज मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा कि अगर आप अपने चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट आए और ज्यादा से ज्यादा आपके में ट्रैफिक इंक्रीज हो, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे यहाँ पे आपको मैं वो चीज बताऊंगा। तो आज जिस साइट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस साइट का नाम है followlist.com। तो अभी जैसे मैंने नाम बताया है कि followlist.com, तो आपको ये चीज नहीं करना है कि आप सीधे जाएं और इस ब्लॉग को आप चेक करने लगें या इस वेबसाइट को आप चेक करने लगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए कि आपको यहाँ पे करना क्या है, तो पहले थोड़ा सा वीडियो देख लो और साथ में मैंने इसकी लिंक भी आपको नीचे देके रखी हुई है, तो आप इस लिंक के थ्रू आप इस साइट पे जा सकते हैं। साथ में मैं अपने इस ब्लॉग की भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप आके डू फॉलो लिंक इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं followlist.com की। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द डू फॉलो ब्लॉग डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे जो भी रहेंगी वो सारी की सारी डू फॉलो रहेंगी। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी लिंक अगर नो फॉलो मिलती है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट मिलेगी आगे जाके अगर आपको कोई डू फॉलो की बजाय नो फॉलो दे रहा है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नो फॉलो आपके लिए बुरी है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आपको नो फॉलो दे रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ये डू फॉलो नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है ये सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स के लिए है, डू फॉलो ब्लॉग्स के लिए है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी एक लिस्ट में यहाँ पे आपको नीचे करके दिखा दिया करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये कम से कम 10 से 15 हजार करीब ब्लॉग होंगे, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं। आपकी जो भी कैटेगरीज है, मान लीजिए आपकी ब्लॉगिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फिटनेस से है, आपका ब्लॉग जिस चीज से भी रिलेटेड है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है। मान लीजिए आपका एफिलिएट वगैरह का है या आपने एफिलिएट नेटवर्क है, ब्लॉगिंग है, मार्केटिंग है, फोटोग्राफी है, जिस टाइप का भी आपका ब्लॉग है उस टाइप के ब्लॉग के लिए आप यहाँ पे इन सारे ब्लॉग्स पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको चाहिए है ब्लॉगिंग के लिए, जैसे आपका जो है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। अब ब्लॉगिंग में भी डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि मान लीजिए आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं, आप पेट्स के लिए करते हैं तो आपको ये पेट्स सेक्शन यूज करना है। आप अगर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो आपको ये पर्सनल डेवलपमेंट का करना है। आप शॉपिंग के लिए करते हैं तो आपके लिए शॉपिंग का करना है। तो चलिए अभी हम एक ब्लॉगिंग ही ले लिया करते हैं कि सिंपल सा हम ब्लॉगिंग यहाँ पे करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पे आपको ब्लॉग्स दिखाई दे रहे हैं ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड डू फॉलो ब्लॉग्स हैं। मतलब ये जो भी रहेंगे ये सभी लोग आपको डू फॉलो बैकलिंक्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे नीचे एक और चीज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट ब्लॉग एज नॉट डू फॉलो
अपोलो और इनएप्रोप्रिएट, मतलब अगर जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बोला था कि अगर कोई आपको डू फॉलो बैकलिंक की बजाय आपको सिर्फ नो फॉलो अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं, आप इन ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपल सा इसमें से जो भी आपको लगता है उस ब्लॉग पे आपको जाना है। मान लीजिए मैं इस ब्लॉग पे यहाँ पे गया, अब यहाँ पे आपको एक ब्लॉग दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका जो भी नाम है, ईमेल है, उसके साथ में आपको यहाँ पे एक कमेंट कर देना है। और कमेंट आपको ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट स्पैमिंग करनी है, आपको करना क्या है, आपको कमेंट्स को इस तरीके से लिखना है कि ताकि सामने वाले को ये चीज लगे कि आप रियल में कमेंट कर रहे हैं। आपको एक बार ब्लॉग भी देख लेना है कि ब्लॉग एक्चुअली में है किस चीज से रिलेटेड। तो ये जो ब्लॉग है ये है फ्री मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे बिल्स, तो ये कुछ इस टाइप का एक ब्लॉग है, मनी मेकिंग से संबंधित है कि आपको बिल वगैरह कैसे मिलेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे कमेंट लिखना है। तो आपको इस टाइप का कुछ भी एक कमेंट लिख देना है, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे एक कमेंट लिख दिया है, और आपको यहाँ पे सिंपल सा सबमिट कर देना है, और आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा योर कमेंट वाज सक्सेसफुली पोस्टेड। तो इस टाइप से आपका कमेंट यहाँ पे पोस्ट हो गया है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी बैकलिंक यहाँ पे एक क्रिएट हो गई है और मुझे यहाँ से एक बैकलिंक मिल गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये बैकलिंक नो फॉलो भी हो सकती है, डू फॉलो भी हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज है कि ये जो बैकलिंक्स मुझे मिली हुई है ये बैकलिंक मुझे डू फॉलो मिली होगी। तो आपको भी सिंपल सा इतना ही काम करना है कि आपको भी यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक देखना है जो आपके हिसाब से हो, आपके ब्लॉग के हिसाब से हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ब्लॉग देखना है और यहाँ पे आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंपल और सरल तरीका आपके लिए नहीं मिल सकता है कि आप यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें। तो ये चीज तो हो गई एक कि आप यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोली थी कि आप भी अगर चाहते हैं कि लोग आपके ब्लॉग पे आके कमेंट करें, और साथ ही साथ क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट होंगे उससे आपका ब्लॉग रैंक होगा और साथ ही साथ आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो वो चीज आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे मेन पेज पे हैं, जैसे अभी तो हम मेन पेज पे नहीं है, आप यहाँ पे मेन पेज जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एड योर डू फॉलो ब्लॉग टू अवर डायरेक्टरी। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपका ब्लॉग है वो इनकी डायरेक्टरी में आपको ऐड कर देना है। अब आपको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे आपका ईमेल देना है, जो भी आपका ईमेल है वो आपको यहाँ पे ईमेल डालना है और आपको यहाँ पे आपका नेम डालना है। ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ एग्री विद द टर्म्स ऑफ यूज एंड सेंड मी द कोड, आपके पास एक कोड आएगा, आपको उस कोड को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एग्री किया एंड देन आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है यू आर ऑलमोस्ट डन एक्टिवेट योर सब्सक्रिप्शन। तो आपको कुछ ऐसा मेल आएगा जहां पे आपको यहाँ पे कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपकी कोई इस टाइप की या कोई इसी टाइप की और भी कोई साइट टाइप की ओपन हो सकती है, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए ऐसा किया करते हैं। आपको फिर से एक मेल आएगा अनंत योर रजिस्ट्रेशन कोड, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आपको एक कोड दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको ये जो लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है followlist.com/register.php आपको इस पे क्लिक करना है और ये कोड भी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है एंड देन आपको इसको सेव करना है। तो आपको इस टाइप से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देनी है, आपको यहाँ पे लॉग इन नेम भरना है, साथ में यहाँ पे आपको पासवर्ड 2 बार डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, और जो आपके ईमेल पे एक कोड आया था वो आपको यहाँ पे डाल के और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। एंड देन आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नाउ क्लिक हियर टू लॉग इन। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड किए थे वो आपको यहाँ पे डाल के और आपको इसको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के बाद आपको जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है आपको ये दिखाई दिया करता है। यहाँ पे आपको आपकी अगर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके आप
ऐड कर सकते हैं। और आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको भी यहाँ पे बैकलिंक्स जनरेट करना है और लोग आपके ब्लॉग पे आके कमेंट करें, तो वो चीज कैसे पॉसिबल है वो चीज मैं यहाँ पे आपके लिए बता दिया करता हूँ। आपको यहाँ पे मैनेज ब्लॉग्स का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो भी ब्लॉग्स रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन चूंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी ब्लॉग ऐड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे जो ऐड न्यू का बटन दिखाई दे रहा है आपको इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और ऐड न्यू के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉग नेम लिखना है, जो भी आपका ब्लॉग का नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप रोटेटर का यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपके ब्लॉग को रोटेटर में दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे ब्लॉग का नेम डालना है, जो भी आपके ब्लॉग का नेम है उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, ब्लॉग का URL डालना है और शॉर्टनर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कोई शॉर्टनर लगता है कि आपको एक लिंक चाहिए तो वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपको लगता है तो आप खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मेक मनी से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे मेक मनी भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डालना है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉग का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ये चीज करने के बाद आपका जो ब्लॉग है वो आपका यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लॉग मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही वेल रैंक्ड ब्लॉग है। आप इसकी खुद की ब्लॉग की बैकलिंक्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 7.86K मतलब 1000 यहाँ पे बैकलिंक्स इनकी खुद जनरेट है कि लोगों ने इतना ज्यादा इसको बैकलिंक्स प्रोवाइड की है। तो आई होप आपके लिए ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आप डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए, अपने ब्लॉग पे कमेंट्स बढ़ाने के लिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो भी मैंने यहाँ पे इस ब्लॉग की भी लिंक यहाँ पे दी हुई है तो आप चाहें तो इस ब्लॉग में भी आके यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉग हैं जहाँ पे आप डू फॉलो बैक लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 117 ये रहे, और इसके बाद यहाँ पे 1500 प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी आपको यहाँ पे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी डू फॉलो बैकलिंक्स जनरेट करके देंगे। और ये जो तरीका है ये इजिएस्ट वे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इजिएस्ट वे टू गेट डू फॉलो बैकलिंक्स, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और जाते जाते बस एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल AVS Tech अनंत सोनी पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो है, नया कंटेंट अपडेट करता हूं या नया कंटेंट आपके लिए अपलोड करता हूं वो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू दोस्तों।